नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। भारत के अग्नि परीक्षण से चीन बौखलाया। चीन के सरकारी मीडिया ने अग्नि 4 एवं 5 मिसाइलों के परीक्षण पर भारत की आलोचना करते हुए गुरुवार को कहा कि भारत ने परमाणु हथियारों एवं लंबी दूरी की मिसाइलों पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से लगाई गई सीमाएं तोड़ी। चीन ने कहा कि पाकिस्तान को भी इसी तरह का विशेषाधिकार मिलना चाहिए। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने परमाणु हथियारों और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की अपनी होड़ में संयुक्त राष्ट्र की सीमाओं का उल्लंघन किया है। संपादकीय में कहा गया है कि अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों ने अपनी परमाणु योजनाओं को लेकर नियमों में तब्दीली की है, लेकिन भारत अब तक अपनी परमाणु क्षमता से संतुष्ट नहीं है और वह ऐसे अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों के निर्माण के प्रयास में है जो दुनिया में कहीं भी निशाना लगा सके। ऐसा कर वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों की बराबरी में आना चाहता है। चीनी अखबार के संपादकीय के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत प्रमुख दावेदार है, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा उम्मीदवार है जिसके पास परमाणु एवं आर्थिक दोनों क्षमता है। चीन की सैन्य ताकत के खिलाफ परमाणु एवं मिसाइल प्रतिरोधी क्षमता के विकास की भारत की मुहिम पर अंकुश लगाने में चीन की सीमाओं को वस्तुतः उजागर करते हुए अखबार ने कहा कि चीन को यह स्वीकार करना चाहिए कि बीजिंग भारत को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित करने से नहीं रोक सकता है। अग्नि 5,000 किलोमीटर तक मार कर सकने वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे चीन को निशाना बनाने में सक्षम एवं सामरिक मिसाइल के तौर पर व्यापक तौर पर देखा जाता है, क्योंकि इसकी जद में चीन के अधिकतर हिस्से आते हैं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। नरेंद्र मोदी ने कहा, गुरु गोविंद सिंह जी के आदर्श एवं सिद्धांत आज भी प्रासंगिक। विधानसभा चुनाव से पहले बजट पेश न करने की मांग को लेकर विपक्ष चुनाव आयोग पहुंचा। आरोपी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका पर उच्चतम न्यायालय में होगी सुनवाई। GFT परिषद की 8वीं बैठक भी विफल, कुछ मुद्दों पर नहीं बन पाई सहमति। तुर्की के हवाई हमले में ISIS के 38 आतंकवादी मारे गए। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।